Viewers, today I am going to tell you a SEO friendly URL. आपने सुना होगा कि SEO friendly title, description और tags को use करिए, उसी तरह से SEO friendly URL होता है। जो title आप बनाते हैं वो ही URL में आता है। तो अगर आप SEO friendly URL बना लेंगे तो सारा काम easy हो जाएगा। उसमें आपको स्टॉप वर्ड यूज नहीं करने होंगे और की वर्ड स्टफिंग नहीं करनी होगी। जब ये आप कर लीजिएगा तो आपका वीडियो जो है वो ज़्यादा चलेगा और वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो कैसे इसको यूज़ करते हैं हम इस वीडियो में आज देखेंगे। सो लेट स्टार्ट। Stop word. What is a stop keyword stuffing? Stop words are extremely common words that most search engines skip over in order to save a space in their database and speed up the crawling and indexing. जो common words होते हैं वो stop word होते हैं, जो हम लोग generally अपनी title में use करते हैं, जो कि search engine जो होता है, Google जो होता है, उसको ignore करता है अपना database में लेने के लिए, जिससे कि स्पीड बढ़ जाए और इंडेक्सिंग बढ़ जाए पेज की। इन कंप्यूटिंग स्टॉप वर्ड्स आर वर्ड्स विच आर फिल्टर्ड आउट बिफोर और आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेज डेटा टेक्स्ट। फॉर एसईओ पर्पस दीज आर एक्सट्रीमली कॉमन वर्ड दैट मोस्ट सर्च इंजन स्किप ओवर इन ऑर्डर टू सेव अ स्पेस इन देयर डेटाबेस एंड टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ क्राउलिंग इंडेक्सिंग। जो जनरल कॉमन वर्ड्स होते हैं वो स्टॉप वर्ड होते हैं और उनको एसईओ पर्पस से सर्च इंजन जो होता है इग्नोर कर देता है, जिससे कि इंडेक्सिंग और क्राउलिंग जो होगी आपकी, ब्राउजिंग जो होगी आपकी फास्ट। हाउ स्टॉप वर्ड हर्ट एसईओ? स्टॉप वर्ड क्यों एसईओ को हर्ट करता है, डिस्टर्ब करता है? दीज फिल्टर्ड वर्ड्स कैन हिंडर योर एसईओ एफर्ट्स, especially if you used frequently in your site title. They effectively waste valuable space which is in the premium in certain area due to truncation in search result. क्योंकि ये सारे stop words जो होते हैं search engine जो होता है ignore करता है, इसको store नहीं करता, जिससे database में space कम ले और search जल्दी करे। Area to explicitly avoid the use of is for stop word. If you must shorten things up, include अब कौन कौन से area में आपको stop word नहीं use करना है, वो है page title tag, web page URLs and meta description. Meta description means tags ही होता है, as much as possible without reducing readability. लेकिन इतना भी कम मत करिए कि उसको पढ़ा ही ना जा सके। Go to the site and find a stop word list. I have taken the stop word list from a site and I am suggesting you to go there and find out the stop word list. And if you want to see which I have taken in this, then I will show you in last. Use low competitive words. Low competition keywords are those that can rank with a little to no link building and little to no domain authority. अब लो कॉम्पिटिटिव वर्ड आप यूज कीजिए भाई, बहुत कॉम्पिटिशन आप नहीं अवेल कर सकते तो लो कॉम्पिटिटिव वर्ड यूज कीजिए। अब लो कॉम्पिटिटिव वर्ड क्या होते हैं, जिनका ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। लिटिल टू नो डोमेन अथॉरिटी, अथॉरिटी जो लिंक बिल्ड कर रहा है उसके उसको ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में। परफॉर्म प्रॉपरली मेयरली पब्लिशिंग अ वीडियो बेस्ड ऑन द टारगेट ऑफ लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड कैन प्रोवाइड रिलेटिवली क्विक ट्रैफिक एंड लॉन्ग टेल रैंकिंग। अब आप लो कॉम्पिटिटिव वर्ड लीजिएगा तो आपको जल्दी ट्रैफिक मिलेगा और ज़्यादा रैंकिंग मिलेगी। हाउ टू फाइंड द लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड? अब कीवर्ड्स कंपटीटिव लो है, कैसे फाइंड आउट करें? ब्रेनस्ट्रॉम द टॉपिक्स, आप टॉपिक के बारे में अच्छे से सोचिए। थिंक अबाउट व्हाट यू टारगेट ऑडियंस माइट बी, आपको ये सोचना है कि जिन ऑडियंस को आपको टारगेट करना है वो कैसे है।
सर्चिंग फॉर इन गूगल एंड जॉट डाउन योर आइडिया। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च करके अपने आइडिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सपेंड आइडिया विद अ कीवर्ड रिसर्च टूल, यूज गूगल SERP टूल। उसके लिए आप SERP टूल को यूज़ करिए और फाइंड आउट करिए कि कौन से टॉपिक ज़्यादा ढूंढे जा रहे हैं और जिसमें कम कंपटीशन हो, उन कीवर्ड्स को आप यूज़ कीजिए। फिल्टर फॉर लो डिफिकल्टी कीवर्ड, अब उन कीवर्ड्स को फिल्टर कीजिए जिसमें ज़्यादा आपको कंपटीशन ना हो, डिफिकल्टी कम हो। टाइटल मस्ट बी शॉर्ट, अब आपकी टाइटल जो होती है वो शॉर्ट होनी चाहिए। इट मस्ट बी SEO फ्रेंडली, और SEO फ्रेंडली होगी तो आपको उनका रैंकिंग ज़्यादा होगी। यूज़ ओनली वन लाइन और 6 words। ज़्यादा लंबी टाइटल ना होने का एक रीज़न, एक सुविधा ये है कि आप एक लाइन में ये समझ लीजिए कि एक लाइन या 6 words की टाइटल होनी चाहिए। गूगल लाइक SEO फ्रेंडली टाइटल टू सर्च फर्स्ट एंड इजीली। लिस्ट ऑफ स्टॉप वर्ड इग्नोर्ड बाई द सर्च इंजन ऑफ गूगल, तो गूगल जो होता है आपके स्टॉप वर्ड को इग्नोर करता है, तो उन स्टॉप वर्ड को हटाइए और टाइटल को छोटा बनाइए। इग्नोर स्टॉप वर्ड टू मेक अ URL SEO फ्रेंडली, इग्नोर स्टॉप वर्ड टू यूज इन दिस टाइटल। एग्जाम्पल हमने दिया है आपको, लो कॉम्पिटिटिव वर्ड्स एंड वायरल नीच आइडिया, ये हमारी टाइटल थी जिसमें एंड हमारा स्टॉप वर्ड है। अब इस स्टॉप वर्ड को हटाने के लिए इन प्लेस ऑफ एंड यू कैन राइट अ बार। बार लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, एंड हट जाएगा। सो यू कैन राइट लो कॉम्पिटिटिव वर्ड बार वायरल नीड आइडिया, तो आपका एंड जो स्टॉप वर्ड है वो हट जाएगा। निगेटिव URL आर लॉन्ग, टू लॉन्ग डिडंट रीड बाय द गूगल। TLDR का शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म है टू लॉन्ग डिडंट रीड द गूगल। लो कॉम्पिटिटिव वर्ड्स एंड वायरल नीच आइडिया, आपने एग्जाम्पल जो दिया था उसकी जगह हम बड़ी टाइटल को छोटा करने के लिए केवल लो कॉम्पिटिटिव वर्ड्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि लो कॉम्पिटिटिव वर्ड होगा तो वायरल और रैंकिंग उसमें हो जाएगी अगर आपने प्रॉपर यूज किया है। इज सफिशियंट टू राइट इन टाइटल। यूज हाइफन नॉट अंडरस्कोर, जनरली लोग अंडरस्कोर यूज करते हैं विच इज नॉट करेक्ट। यूज हाइफन इन प्लेस ऑफ अंडरस्कोर, यहाँ ये अंडरस्कोर है और यहाँ हम हाइफन यूज कर रहे हैं इसमें। रिस्पॉन्सिव मोबाइल फ्रेंडली, ऐसा टाइटल होना चाहिए जो मोबाइल फ्रेंडली हो। मेक फ्रेंडली टाइटल मीन्स यूअर लव टू सी, आपका टाइटल ऐसा हो कि वो अट्रैक्टिव हो और व्यूअर उसको खोलने के लिए बेताब हो जाए। चेंज टाइटल अगेन एंड अगेन बाय यूजिंग SEO टूल। मेक परमा लिंक स्ट्रक्चर, टाइटल को आप बदलिए, जो टाइटल रैंक कर रही है उसको टाइटल में लगाइए। परमा लिंक स्ट्रक्चर, परमा लिंक मीन्स रीडायरेक्टिंग द लिंक, बट दिस यू कैन डू विद अ ब्लॉग। You send your audience to the new link by redirecting to the new title page. वीडियो का तो हमें पता नहीं, लेकिन ये हमारा ब्लॉग पे होता है कि परमा लिंक बनाते हैं हम, पुरानी टाइटल को हटा करके SEO करके नई टाइटल को हम अपने ब्लॉग में लगाते हैं और अपने ऑडियंस को उस टाइटल पर रीडायरेक्ट करते हैं। रीडायरेक्टिंग वर्ड प्रेस में ईजी हो जाता है और उसको यूज़ करके ब्लॉग में ट्रैफिक को हम बढ़ा सकते हैं। इन शॉर्ट, हाउ टू प्लेस अ कीवर्ड इन टाइटल टैग URL एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इन शॉर्ट ये वीडियो क्या बता रहा है कि आप स्टॉप कीवर्ड स्टफिंग, यूज लो कॉम्पिटिटिव वर्ड टाइटल, URL मस्ट बी शॉर्ट, निगेटिव टाइटल एंड URL आर लॉन्ग, निगेटिव टाइटल और जो लॉन्ग URL होते हैं उसको मत यूज़ कीजिए, यूज हाइफन इन प्लेस ऑफ अंडरस्कोर एंड रिस्पॉन्सिव मोबाइल फ्रेंडली टाइटल होना चाहिए, टाइटल टैग URL होना चाहिए। तो अगर ये सब रूल्स आप फॉलो करते हैं तो आपकी टाइटल अच्छी बनेगी और इसमें स्टॉप कीवर्ड मत यूज़ कीजिए, कॉम्पिटिटिव वर्ड मत यूज़ कीजिए, शॉर्ट बनाइए, लॉन्ग नहीं बनाइए, हाइफन यूज़ करिए अंडरस्कोर की जगह और रिस्पॉन्सिव टू मोबाइल फ्रेंडली।
क्योंकि ज़्यादा लोग मोबाइल पे देते हैं, तो इसको टाइटल को ऐसा बनाइए कि मोबाइल फ्रेंडली हो। इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आईटी इन्फॉर्मर, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक गिवन इन अ डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन, गो टू कम्युनिटी, शो योर लव। Now you want to see the stop list which I have made in this list of SEO stop word. आप जब जिस लिंक को हमने बताया जब उस पर जाइएगा तो आपको इस तरह से ढेर सारे स्टॉप वर्ड मिल जाएंगे जिनको आपको कोशिश करना है कि ना यूज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं, तो आप कभी ना कभी इसको यूज़ ही करिएगा, लेकिन टाइटल में इतना भी कम ना यूज़ करिए उसको कि वो पढ़ने वाले के लिए भी दिक्कत करे। और ऐसे तो स्टॉप वर्ड बहुत अधिक है, इनको गूगल अवॉइड करता है, इग्नोर करता है कि ना यूज़ करे। तो दीज आर द स्टॉप वर्ड्स विच यू कैन सी इन दिस list, or either you download from the site which I have given in my video, or I will mention in the description also. So thank you viewer, if you like it, it is from A to Z. This is a stop word list at A to Z, and this is your site through which you can get the stop word, SEO stop word, to make your title more efficient. So thank you viewer, if you like it please share and subscribe and follow my YouTube channel, and please run the video and watch it. I need the watch time also. You people never run or not subscribe the video, please help me to grow. So